से शुरुआत होगी इसकी? देखिए 8 मई को माँ गंगा का अवतरण दिवस है, गंगा सप्तमी है। उस दिन हम सभी हरिद्वार वासी और सभी माँ गंगा में आस्था रखने वाले श्रद्धालु माँ गंगा की पूजा अर्चना करते हैं, माँ गंगा में स्नान करते हैं। इस वर्ष गंगा सप्तमी के उपलक्ष्य में हमने गंगा महोत्सव मनाने का एक निर्णय लिया है, क्या आयोजन करने का श्री गंगा सभा ने निर्णय लिया है, और ये आयोजन प्रत्येक वर्ष गंगा सप्तमी के अवसर पर किया जाएगा। इस वर्ष जो हमने आयोजन निर्धारित किया है उसमें 8 मई को माँ गंगा की सभी लोग पूजा अर्चना करते हैं, तो माँ गंगा की पूजा अर्चना होगी, पूजन होगा। 9 मई को रात्रि 8 बजे से सायंकालीन आरती के उपरांत कन्हैया मित्तल जी की एक भव्य भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा किया जाएगा, और जिसमें अन्य कैबिनेट मिनिस्टर, विधायकगण और गण्यमान्य व्यक्ति और आदरणीय संत महात्मा भी सभी उपस्थित होंगे। और इसके उपरांत 10 तारीख को हर की पौड़ी पर ही प्रसाद वितरण का कार्यक्रम किया जाएगा। इस प्रकार से ये 3 दिवसीय आयोजन इस वर्ष किया जा रहा है, और हमारी योजना है कि इस वार्षिक उत्सव को आने वाले वर्षों में और भव्य रूप दिया जाएगा और विस्तार के साथ इसका एक आयोजन किया जाएगा, जिससे कि देश विदेश में जो गंगा महोत्सव है ये और प्रसिद्ध हो और एक हर की पौड़ी से जुड़ा हुआ एक वार्षिक आयोजन के रूप में इसको पहचान। मैं जितने भी श्रद्धालु हैं, मैं सभी को इस भव्य भजन संध्या जो कि 9 तारीख को रात्रि 8 बजे से हर की पौड़ी पर होने वाली है, मैं इसमें आप सभी को आमंत्रित करता हूँ। आप सभी आएँ माँ गंगा के तट पर भजन संध्या के माध्यम से माँ गंगा के संबंधित भजनों का और हमारे और जो इष्ट देव हैं, जो ईश्वर हैं, जो भगवान हैं, उन सभी के भजनों का आनंद लें और एक अलग अनुभूति और एक अलग वातावरण जो हर की पौड़ी पर उस दिन बनेगा उससे आप सभी आनंदित हों, ऐसी मैं कामना करता हूँ और आप सभी को आमंत्रित करता हूँ।